हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, पुरस्कारों एवं सम्मानों की श्रृंखला के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। इसके पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे और पुलित्जर पुरस्कार जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा की है, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से ग्रैमी पुरस्कार की, मैन बुकर पुरस्कार की और कलिंग पुरस्कार की। इन तीन पुरस्कारों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, और हमारे जो पिछले वीडियोस हैं पुरस्कार एवं सम्मानों की, अगर आपने मिस किए तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार की। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट आपको मिलती ना, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। तो ये शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार की। ग्रैमी पुरस्कार क्या है? तो ग्रैमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1958 को हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1958 में शुरू किया गया, 1958 को। यह पुरस्कार मतलब ग्रैमी पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है जब यह बात आती है? तो नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल, जो कि 1958 में शुरू हुआ था। पश्चिमी संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक के महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। मतलब वेस्टर्न म्यूजिक में जिसका अहम योगदान रहता है उसको यह पुरस्कार मुख्य रूप से प्रदान किया जाता है। 1973 में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। 1994 में जो सितार वादक ही पंडित रविशंकर जी के जो शिष्य थे विश्वमोहन भट्ट, उनको भी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब सितार वादन के क्षेत्र में पंडित रविशंकर को और उनके शिष्य विश्वमोहन भट्ट को, रविशंकर को 1973 में और विश्वमोहन भट्ट को 1994 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार की बात करते हैं हम। मैन बुकर पुरस्कार क्या है? तो मैन बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1969 को 1969 में मैन बुकर की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में और कहां कहां प्रदान किया जाता है? तो यह जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, जो इंग्लिश हिंदी की बात नहीं है यहाँ पर, मैन बुकर पुरस्कार क्या प्रदान किया जाता है? अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के लेखकों को प्रदान किया जाता है। मतलब इसमें राष्ट्रमंडल देश के जो देश है, राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देश है उनको और एडिशनल आयरलैंड के लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रमंडल में कौन कौन से देश हैं और राष्ट्रमंडल क्या है, इसकी संपूर्ण चर्चा हम अपने हाल ही में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों की बात कर रहे हैं, जो वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं उनमें आपने अगर देखा है तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जो वीडियोज है, जो प्लेलिस्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनमें जाकर के आप राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल और हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। तो जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है मैन बुकर, जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, और कहाँ कहाँ किन किन को प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्रमंडल के देशों को और आयरलैंड के लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये जो वरीयता की अगर बात करते हैं, वरीयता में यह पुरस्कार नोबेल के बाद साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, मतलब ये दूसरा स्थान रखता है साहित्य के पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार के बाद। अगर नोबेल पुरस्कार की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं तो यह नोबेल पुरस्कार के अलावा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा दिया जाता है। कौन प्रदान करता है? तो मैन बुकर पुरस्कार बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी तक कुल 5 भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। वो 5 भारतीय कौन कौन से?
उनकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम यह डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में किन किन भारतीयों को और किस किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और कब कब प्रदान किए गए हैं, जिससे एग्जाम्स में जितना भी डीप अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक कुल 5 भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान हुआ, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हिलेरी मेंटल, जो कि 2009 और 2012 इन्होंने 2 बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया, और ये जो पहली महिला थी जिनको, जिनका नाम हिलेरी मेंटल था। अब बात करते हैं कलिंग पुरस्कार की। कलिंग पुरस्कार क्या है? तो कलिंग पुरस्कार की जो स्थापना हुई 1952 में की गई थी। कलिंग पुरस्कार कब स्थापित हुआ? 1952 में। यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। मतलब जो कलिंग पुरस्कार है वह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कहाँ प्रदान, किस क्षेत्र में प्रदान होता है कलिंग पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। जो व्यक्ति या संस्था विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष कार्य करती है या अपना उल्लेखनीय योगदान प्रदान करती है, वह कलिंग पुरस्कार की हकदार होती है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के अंतर्गत कलिंग फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन प्रदान करता है? कलिंग फाउंडेशन, जो कि यूनेस्को के अंतर्गत आता है। तो कलिंग फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि यूनेस्को के अंतर्गत आता है। यह पुरस्कार 2 वर्षों में विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। मतलब जो कलिंग पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष प्रदान नहीं किया जाता है, ये प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार प्रदान किया जाता है। और कब प्रदान किया जाता है? विज्ञान दिवस पर प्रदान किया जाता है, जो कि 10 नवंबर को मनाते हैं। और यह जो विज्ञान दिवस है 10 नवंबर को मनाया जाता है, और उसी दिन यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रत्येक 2 वर्षों में। विजेता को 10,000 स्टार्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। तो यह उपहार स्वरूप विजेताओं को प्रदान किया जाता है। और जैसे कि अभी चर्चा की, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। कौन से दिवस कब कब मनाए जाते हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस हमारे आप शॉर्ट ट्रिक के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने मिस किया है तो आप वहां पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने आने वाले वीडियोज में हम चर्चा करेंगे कि कौन से भारतीय व्यक्तियों को कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और कब कब प्रदान किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कोई और सीरीज चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। जैसे कि हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है, ये सब मोस्ट ऑफ ऑल आपके सुझावों पर ही चल रही है। जो हमको सुझाव प्राप्त होते हैं कि हमको इस टॉपिक पे सीरीज चाहिए, तो हम उस सीरीज को लेकर आते हैं। अगर आपकी भी कोई विशेष सीरीज की मांग है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप मुफ्त में PDF चाहते हैं तो मेल ID कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ फेसबुक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाके आप लिंक को डायरेक्ट फेसबुक पर जो लर्निजी का पेज है वो लाइक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।